नमस्कार शुणुंट रेडियो चॉकलेट 104 FM दो मीठा अरे रेडियो चॉकलेट शुणुंतर देखुं भी मुझे अनिल आम सांगे आने अच्छा व्यक्तित्व एमती जन व्यक्तित्व जे ना केवल जन बैंकर जन ऑथर भी बहुत गुड़े बही लिखले से सब बही सोसाइटी को किसी शिखेवाई से लिखुं निज इच्छापी नुह सोसाइटी किसी भल करने सोसाइटी को किसी नुआ जिन शिखेवाई तो चलत स्वागत करवा आज बैंकर ऑथर इस्माइल शेख सर सर नमस्कार स्वागत रेडियो चॉकलेट नमस्कार। केमती अच्छा बहुत भल अच्छे फर्स्ट क्लास। अच्छा सर बैंकिंग रे आपण को करियर ए पर्यंत आपण बैंक सेक्टर रे समस्त को सहाय्य करि आसुथिले हठात एमती ऑथर हबार बही लिखिवार कोन इच्छा हला? देखो मु तो एज ए बैंकर अच्छी बट गुड़ा मु पढ़े एक्चुअली सो बहुत बायोग्राफी पढ़ी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी देन नॉन फिक्शन बुक्स भी बहुत पढ़ी पढ़ला परे देन समथिंग केम टू माय माइंड के ठीक अच्छे आई कैन ऑल्सो राइट समथिंग टू गाइड पीपुल टू एजुकेट पीपुल इन द सोसाइटी से थ्रू मु से टू स्टार्ट कली राइटिंग एंड माय फर्स्ट बुक वाज लास्ट ईयर इट वाज पब्लिश चेरिशिंग लव ए की टू हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके देन जो थे मु बुक्सटा लिखिदेला पर मोर कन्फिडेन्स लेवल बहुत आसीगला कि ना यस आई कैन गो ऑन राइटिंग आई कैन गो ऑन राइटिंग तो मुझे सातटा बही अलरेडी मोर पब्लीश कर सारे फ्रम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी सम रिलेशनशिप पेरेंटिंग टाइम मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑल्सो सो जमी आपली सब समाज को किसी शिखेवा दिगरे ही लिखा जाइए चेरिशिंग लव सिक्रेट फर हैप्पी मैरिड लाइफ कौन ये सिक्रेट सर मैरिड लाइफ रो हैप्पी सिक्रेट कौन? देखु आम समस्त जाचे सोसाइटी रे पुओ झी मैरेज करते कि मैरेज कला जो पर स्टेज बिफोर मैरेज आपड़ देखिए समस्त मनरे गोटे बहुत खुशी था से बहुत दे आर एंगसीयसली वेटिंग फॉर दैट वेडिंग डे एक्चुअली तो मैरेज हो गला परे सेम फीलिंग टा फॉर सम टाइम इट इज देयर शादी करके फंस गया यार। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली लोगों का ये गलत फहमी है शादी करके फंस गए नहीं। देखिए अगर आपके साथ में कोई अगर पार्टनर है और दोनों में अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग है अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो आपका जो शादी है इससे अच्छा और बेहतरीन और आपका हस्बैंड या इधर आपका वाइफ से कोई अच्छा दोस्त दुनिया में नहीं हो सकता आपका अगर आप रिलेशनशिप को ठीक से मेंटेन कर सकते हैं। सो मैंने अपना जो दूसरा दूसरा किताब है जिससे बहुत सारा किताब है 3 C's ऑफ मैरिज वर्ड्स द सीक्रेट ऑफ मैरिड लाइफ पर सर लिख ले 3 C's ऑफ मैरिज कम्युनिकेशन कनेक्शन एंड कमिटमेंट। सो सर यही कथा आपण कहयो जाउ थले बोथे यस नेचुरली आपणकर जो रिलेशनशिप भितरु ये गोटे आउ गोटे पार्ट आसीला तो कौन पार्ट से होची आपणकर कम्युनिकेशन इन एवरी रिलेशनशिप यू नीड प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर माने यदि आपणक पाखरे कोनोसी कम्युनिकेशन प्रॉपर नाही बी इट हस्बैंड और वाइफ बी इट एट योर ऑफिस प्लेस ऑल्सो बी इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो बी विथ योर किड्स ऑल्सो सो देन दैट रिलेशनशिप इज नथिंग आपणकर जस्ट गोटे आपण हालो हाय दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन टू लिव विथ ए पर्सन for rest of your life it's absolutely not possible tenu communication kariba nihati avashyak apan ko jo misunderstanding hue katha na kahiba jo apan bhabi ki rahi janti si aga kahibo mu aga kahibi ni si aga kahibo emti re communication gap he jae au sei dia asche misunderstanding tenu jodi apan relationship re achanti communicate karun ha sir ta pare bahi likhile time management blueprint बहिटा बहुत थोस तो टे देखा पड़ी सो टाइम मैनेजमेंट सर मैंने बाहा सिक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ रु अर्थात टाइम मैनेजमेंट आड़ कहले मैंने कौन टाइम मैनेजमेंट देखा गला टाइम मैनेजमेंट कहीं जरूरी समस्त लाइफ रे टाइम इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टाइम अच्छा कारण समस्त पाखे 24 घंटा ही टाइम अच्छे। ओके सपोज आपण भावुंजे मु जड़े छोट कर्मचारी मो पाखे 24 घंटा कौन प्राइम मिनिस्टर हाज अल्सो गॉट 24 आवर्स आपण जिते दुनिया रे जहाँ भी अच्छा समस्त पाखे 24 घंटा अच्छे ता भितर समस्ते मैनेज करी निज निजर प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को डिवाइड करी चली था सो आम कौन करू आम ओवरलुक करू से टाइम मैनेजमेंट पे मु गोटे फंडा तैयारी कर माय पर्सनल लेवल मुझा कर 8+8+8 24 आपंकर 8 आवर्स आपण प्रॉपर स्लीप दरकार 8 आवर्स योर प्रॉपर वर्क प्रोफेशन में देवे आपण एंड रेस्ट 8 आवर्स व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरीबडीज लाइफ जोटि मैक्सिमम लोक फेल हो जाती
ଶୋଇତ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏପଟେ ପ୍ରଫେସନକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ 8 hours ରହିଲା ସେଇଠି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି 3F। ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଆପଣ କରିପାରିଲେ 3H, ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ବି ଉପରେ ବି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ହାଇଜିନ୍ ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ହବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ହବି ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଗେମ୍, ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ସେ ହବିଟାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରିବେ ଆପଣ ସେଠୁ ମାନେ କ'ଣ ହବ କି, ଆପଣ ବିଫୋର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ୱର୍କ ଫର୍ ୟୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ଟା। ଆଉ 3F କ'ଣ ସାର୍? ସେଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫେଥ୍। ଓକେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ବିକଜ୍ ସେଇ ଯେଉଁ 8 hours ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଫେଥ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ 5 minutes 10 minutes ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଯଦି ଡାକିବେ ଇମୋସ୍ନାଲି ବହୁତ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତିନି, ବଟ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ନାଁରେ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ଏ ଦୁନିଆର ଯେତେ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 5 to 10 minutes ସେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିବ। ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫେଥ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଉପରେ। ସାର୍, ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ୍ସ ଗୋଟେ ବହି ଆପଣ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ୍ସ, ଶବ୍ଦ ପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ? ୟେସ୍, ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ନା, ଆଉ ତାପରେ ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଉପରେ, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଆପଣ ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ୍ସ ପରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ ନୋ ଦ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ପାର୍ଟରୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ସୋ ସେ ଯେଉଁ ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ୍ସ, ତାପରେ ବି କିଛି ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋତେ ଏଇଟା କହିଲାନି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ନା, ଆପଣ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ବଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ୍ସ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଏତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, କାହା ପାଇଁ? ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍। ହୋମ୍, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଆପଣ ନିଜର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଅଲୱେଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏମିତି ମୋର ସେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ବି ଦେ ଫିଲ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ କେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରିଗରିଂ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ କି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ୟୁ ହାଭ୍, ତମ ପାଖରେ ତମର ଗୋଟେ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କ'ଣ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି? ୟେସ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ନୋ ହଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ? କାହିଁ କି ହବ କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ହବ, ହବାର କି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍? ହାଉ, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ସେ ରେସିପିଟା ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଝଗଡ଼ା? ଆଚ୍ଛା, ଯେ ମୁଁ କହିବା ଅନ୍ନେସେସରି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ରାଗିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସପୋଜ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିସ୍ଆପ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବାଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠି ରାଗିବେ? ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ଆରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ହର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲ୍ସୋ, ସେ କୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଜମା ହଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହିଁ ହବନି, ଆଉ ଝଗଡ଼ା କଥା କେଉଁଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ସୋ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଇଗଲା, ହଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ ହେଇଗଲା, ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ୍ସ ହେଇଗଲା, ଲଭ୍ ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ମମ୍ସ, ମା, ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିରାକଲ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍, ମିରାକଲ ମମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା ଟୁ ଡାଇପର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ। ସୋ ସାର୍, ଯାହା ଘରୁ ଶିଖିଲେ, ଭାଉଜ ଯାହା ଶିଖିଲେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଜେ ବହିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ମିରାକିଲ ମମ୍ ଆଉ ଇଏ ଡିପ୍ଲୋମା ଟୁ ଡାଇପର୍, ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ମୋର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ବୁକ୍ ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଡାଇପର୍ ଟୁ ଡିପ୍ଲୋମା। ଓକେ, ଡାଇପର୍ ଟୁ ଡିପ୍ଲୋମା, ସରି, ମୋର ଟିକେ ଉଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜର୍ନି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ 0 ନେଇକି 20 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ମୁଁ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଫେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍ ୱିଲ୍ ଗାଇଡ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଏ ଭେରି
प्रॉपर वे से माने पढ़ी पारंती तंग पिला मान को करिया पे बिकॉज़ अपन ना रो इटसेल्फ अपन यू कैन गेस के फ्रॉम डायपर टू डिप्लोमा एक्चुअली डिप्लोमा मींस मोर जो सिटी थिला ताको ग्रेजुएशन पर्यंत बट जो डायपर एठी मु लेखली ताको गोटे बैलेंस करबे मु सारु पछे ड्रीमकल से रे डायपर टू इंजीनियरिंग कर दीतांते डिप्लोमा कहीं करले नहीं एटा मैच खौतले ना बही जदे ना ओटे लिखा हुए तो डिप्लोमा पर्यंत भी अपन सेल्फ सफिशिएंट हे गेलेनी तनु डायपर टू डिप्लोमा कर देले सो एथेरे बहुत जिंस रहउची एक्चुअली आपणकर पिलार छोटर केमती बोथ द पेरेंट मानकर रोल कौन एक्चुअली पिला को टाइप रो ताकू कैरी करिवे तार टॉडलर स्टार्ट होबो तापर प्रेप स्टार्ट होबो तापर तार नर्सरी स्टार्ट होबो तापर तार स्कूलिंग स्टार्ट होबो तापर तार कॉलेज होबो ए जो फेज रहुची बापा मा मानकर कौन रेस्पोंसिबिलिटी देखंतु पिला मानकु भलो मनीष करिवारे ताकू गोटे भलो बैकग्राउंड गोटे ताकू दबारे तार गोटे ता माइंड रे गोटे भैल्यू आपणकर जो फैमिली रो भैल्यू अछि आपणको पुरिया पई बापा मा दे प्लेड ए वेरी इंपोर्टेंट रोल फॉर द पेरेंटिंग मु एठी आपणको गोटे एग्जांपल देबी वॉरेन बफेट जे कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड तांको घरे सेमाने तांको पिला मानंकु भी इवनिंग टाइम रे ट्यूशन पढ़ांती सेमाने नॉट दैट जे तांको पाखरे पैसा नहीं ट्यूशन को दबा पाए बिकॉज से जो पढ़ाती से तेरे फैमिली भैल्यू तांको सिखाती कारण आफ्टर देम से जो फैमिली रे लिगेसीटा को से पिला माने मेंटेन करी करी जीवे आपण पैसा अच्छे टीचर को दे देले से आसिले कम से 1 आवर 2 आवर पढ़ी ले बस देखो पिला जो भैल्यूटा सिखिबे फैमिली रो जो इत्ते बड़ा एम्पायर तांकर अछि ताको तो पण की चलेबे ना आ पिला तो जानी ना से सब कुछ कहा को कोठी केते मिसिबार अछि कहा को केते कोन करिवार अछि कहा संगर केमिति मु कथावार्ता करिवि को लोक मान सर केमिति केमिति मु रहिबि से फैमिली भैल्यूटा मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा की पेरेंट्स मानकर रोल होची सेठी पिला मानको सिखैबार अच्छा सर ए सब बही कोठ मिलिबो ये सब आपनकर ऑनलाइन रे अमेज़न रे मिलिबो किंडल रे भी मिलिबो ई बुक थ्रू रे आ गूगल प्ले स्टोर रे मिलिबो ता भीतर मोर दीटा बुक्स अछि जोटा के टाइम मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट एंड फ्रॉम डायपर टू डिप्लोमा एटा मोर 30टा कंट्री रे आपनको लॉन्च होई छै यूएसए रे यूके रे जर्मनी रे ऑस्ट्रेलिया रे ऑस्ट्रेलिया रे तो बहुत पेरेंटिंग और टाइम मैनेजमेंट ता बहुत मोर सेल होई छै तो ये 30टा कंट्री रे भी से दीटा बुक्स आसुची बाकी आपनकर amazon.in रे हमर सब मिलुची देखंतु सब जिंस पढ़ीले कोन आपन यू कैन आल्सो निजे गेन सम नॉलेज तो बहुत जिंस हमें जानू बट समहो हमें मिस करी जाउ गोटे टाइम रे ठीक अछि यदि पढ़ी के किछि सीखी पारले के किछि जानी पारले एंड मु यदि कहार गोटे काम रे लागी पारली थ्रू माई राइटिंग मु तो मु निजो को बहुत धन्य भावी नहीं सर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन एते कथा भाबी चंती ए सब जिंस लाइफ एक्सपीरियंस कला परे आपन समाज सहित शेयर करिया पई चेष्टा कर चंती आपन को बही माध्यम रे एवं आपन को भी रिक्वेस्ट करबी यदि एमिति किछि समस्या आपन को लाइफ रे अछि तो सर लिखितबा ए बही रु आपन किछि इंस्पिरेशन नै परिबे किछि शिक्षा नै परिबे ताकु यूटिलाइज कर परिबे आपन को डे टू डे लाइफ रे एवं जदि किछि चेंजेस आछि तले प्लीज आमको लेखिके निश्चय जणैबे जे सरको बही आपनको निश्चय भल लागला एवं सरको बही आपनको ऑनलाइन रे मिल जाउछ Amazon रे आपन किंडल ईबुक रे माध्यम रे पाई परिबे एंड सर बहुत बहुत धन्यवाद आपन आसीले आपनको बही विषय सब जणैले आमको थैंक यू नमस्कार मु भी आपन मानको भी धन्यवाद देउछि आपन माने मते डाकीके मोर टू किछि मो बही विषय रे मु कहितबारु मु भी निजुको धन्य माने करूछि आ मु समस्त ऑडियंस को रिक्वेस्ट करिवि के किसी पढ़ु किसी जानतु आज रिलेशनशिप प्रति ध्यान दिंतु निज पा प्रति भी ध्यान दिंतु अदरवैज गोटे टाइम आसो जोटे कि पिलाने बिअंड आप हाथ रू खसीजे से प्रति भी आपान दिखता भी केयर निमती नुहे जो भल स्कूल पढ़ाऊँ बड़ स्कूल पढ़ाऊँ बड़ जगार ट्यूशन देखिए सेमती किसी हुए नहीं पिलांर पेरेन्ट्स सागर गोटे आटाचमेंट दरकार से निहाती दरकार आजिकाली सोसाइट कारण जो बर्तन एज अफ इनफर्मेसन पिला कौन करुच्ची पेरेंट्स मैंने जानते नहीं पिला केते टाइम मोबाइल वाच करुच्ची से भी जानते नहीं सो समस्त को रिक्वेस्ट बी विथ योर किड्स सागर किसी टाइम स्पेंड करूँ सो दैट आपंक पिला आपंकर लाइन ने भी रही है एंड सब दर्शक बंधु नमस्कार एंड आपमनको भी धन्यवाद थैंक यू सो मच इन शॉर्ट कहियो गले फैमिली को क्वालिटी टाइम दबा को पड़िबो जदी आपन गोटे हेल्दी फैमिली चाहौचंती हेल्दी बुझबो चंते माने खाली स्वास्थ्य रे नो पीसफुल फैमिली चाहौचंती सो थैंक यू आपन एते समय हमको सुनिले इस्माइल सर को बहुत बहुत धन्यवाद आपमनको धन्यवाद एंड रिलेशनशिप को मजबूत करियो गले कम्युनिकेट करथांतु जेमदे आमे आपन सहित कम्युनिकेट करछु आ मीठा गीत सुनथांतु रेडियो चॉकलेट रे फील करथांतु धुम मीठा